अच्छा बेटा, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन जो है बुक में अगर स्टेटमेंट देखी जाए ना तो वो मिस्टेक है उसमें। वो क्या मिस्टेक है बेटा, अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखोगे दे हैव मेंशन द स्टेटमेंट एज लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना। और इंटरवल जो मुझे दिया हुआ है वो बेसिकली 0 से पाई की बात हो रही है ना, जिसमें आधे में इंक्रीजिंग है आधे में डिक्रीजिंग है। बेटा आधे में वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो सकता क्योंकि पाई बाय 2 से पाई तक कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या लॉग ऑफ नेगेटिव फंक्शन डिफाइंड हो सकता है? नहीं होता है ना। तो यहाँ बेसिकली मॉड आना चाहिए हमारी बुक, मेरी बुक में नहीं, मेरी बुक में मॉड नहीं है। देखिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, कैसे भी किसी और की भी बुक, जैसे हमारी पुरानी है तो आपकी बुक में भी किसी की पुरानी हो तो लिखा हो सकता है। तो यहाँ लॉग मॉड कॉस एक्स, ओके जी, रीजन मैंने आपको बता दिया। आगे तो करना वैसे ही है, ठीक है ना। बिल्कुल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, आप ट्राई कर लो। मैं आज का दिन फिर दे रही हूं, कल मैंने प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछ ली। ओके बेटा, आई एम गिविंग यू द टाइम टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। मैं कह रही हूँ चाहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, यू हैव टू आस्क मी कि मैम ये बताइए कैसे करना, ठीक है। टुडे आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, मैं समझाऊंगी। ओके, बहुत इजी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ समझने वाली ज्यादा बात नहीं। हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, मान लीजिए ये एक कर्व है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती होती, स्ट्रेट लाइन ही, बट इट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। अगर ये कर्व है ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये टेंजेंट नहीं हुआ क्योंकि ये दो पॉइंट पे उसको मीट कर, यहां पर एक पॉइंट। ऐसे भी नहीं हो सकता, आप कहो कि मैम ये आप इसको बढ़ाओगे करेगी फिर ये 2 पॉइंट्स पे, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ टेंजेंट। बात समझ आई? अब बेटा देखिए मेरे पास जो है, मैंने आपको कह दिया कि टेंजेंट एक लाइन होती है जो टच करता है बेटा किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे। अब बेटा यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल होगा, ये भी टेंजेंट है, नॉर्मल यहां पर भी हो, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरलर हो या वाई एक्सिस के पैरलर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास फिगर कैसे। अगर ये कर्व है तो टेंजेंट ऐसे आएगा ना, स्लांटिंग में आएगा। इज इट क्लियर बात? हाँ जी बेटा। अब अगर नॉर्मल, नॉर्मल दोनों जगह हो सकता है पर नॉर्मली हम एक्सटीरियर वाला, बाहर वाला ही लेते हैं। ये एक्सटेंड आप अंदर को कर लो, रहना तो ये नॉर्मल ही है ना। हम कहां से ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वहीं से हम लेते हैं। अब जिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन ना, तो आप नॉर्मल चाहे ऊपर को ले लो नीचे को ले लो वो रहता नॉर्मल ही है, ठीक है बेटा। ये बात सबको क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अब नेक्स्ट बात बेटा, अगर ये एक लाइन है तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी, हमने 2D में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2D, आगे हम जो है 3D का चैप्टर करेंगे सेकंड टर्म में, वहां पर भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन वो सारा कुछ 3D में होता है। ये जो टेंजेंट नॉर्मल है ये हमेशा 2D में बात कर रहे हैं। ओके, एक लाइन की इक्वेशन आपको पता है
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन. दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू एक्स वन एंड वाई वन एंड विद स्लोप एम. अब यहां पर हम कैसे स्लोप निकालें? स्लोप निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, जिसपे टेंजेंट हमने ड्रॉ की है. क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, अगर मैं एक आपको कर्व प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मेरे पास मान लीजिए सपोज दिस इज अ कर्व, यहां टेंजेंट है. अब ये स्लोप है इस कर्व की. एक कर्व की स्लोप हमेशा किससे रिप्रेजेंट होती है? उसके टेंजेंट की स्लोप. ओके, तो दैट मींस कर्व की स्लोप निकालना मींस टेंजेंट की स्लोप निकालना, ऑब्वियस है. अब यही चीज अगर ये इस तरफ होता ऐसे, तो ये इस तरफ आ जाता. प्रोवाइडेड अगर मैंने पॉइंट है, अगर मैंने पॉइंट यहां लिया तो टेंजेंट कहां आ जाता? ऐसे आ जाता. पॉइंट ये लिया इधर कौन आ जाता? अपने आप उसकी मूवमेंट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? तो दैट मींस और कुछ नहीं करना, हमने यहां पर बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट की इक्वेशन बन जाती. पहला काम स्लोप निकालेंगे डी वाई बाय डी एक्स, किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना, बस. तो अपने आप ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई. बात समझ आई मेरा बेटा? ठीक है जी. अब अगर बात करनी है मैंने नॉर्मल की, ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नॉर्मल भी सेम ही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. वो कैसे करना है? रहना वाई माइनस वाई वन है, बट स्लोप जो है वहां पर क्या हो जाएगा? टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना. तो अगर टेंजेंट की स्लोप डी वाई बाय डी एक्स है तो नॉर्मल की क्या होगी बताओ? विद नेगेटिव साइन, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वन ओवर डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, हम ऐसे भी लिख सकते इंटू एक्स माइनस एक्स वन. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट. अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाहती हूँ, बहुत 99% बच्चे ये गलती करते हैं. अगर मेरे पास सपोज ये एक कर्व है, ये टेंजेंट है, मैंने कहा टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 सपोज, तो व्हाट डज इट मींस? ये कौन सा पॉइंट है? नो, दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. टेंजेंट पासिस थ्रू मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा कोई भी पॉइंट. वो 2,3 यहां कहीं पे भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो यही वाला पॉइंट हो. अगर मैं कहती टेंजेंट एट पॉइंट 2,3 तो ये 100% पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बस यही डिफरेंस है. सेम इज द केस इन नॉर्मल. वर्डिंग को समझना, जब वो कहते हैं ना कि टेंजेंट पास थ्रू पॉइंट 2 एंड 3, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू 2, 3 दी है. एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3. अगर वो कह रहा है टेंजेंट एट पॉइंट ए कॉमा बी, यानी एक्स वन और वाई वन की वैल्यू मुझे दी है ए कॉमा बी, बस. जिस बच्चे ने ये चीज समझ ली उसको हर क्वेश्चन कैलकुलेट करना आ जाए. दोनों में डिफरेंस पता चला? टेंजेंट एट टेंजेंट पासेस थ्रू, अपनी बुक के ऊपर छोटा सा लिख लो टेंजेंट एट टेंजेंट पासेस थ्रू, आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि यही डिफरेंस है. ऐसे ही नॉर्मल एट नॉर्मल पासेस थ्रू. ठीक है जी. अब हम एक्सरसाइज करेंगे सीधा, आपको जो है समझ आएगी कि हमारे पास वो क्या चीज है. लेट अस डू द एक्सरसाइज डायरेक्टली. सारे एग्जांपल्स उसमें कवर हो जाते हैं, आप मेरे साथ साथ करोगे, देखना आपके भी क्वेश्चंस निकलेंगे. हाँ जी क्षितिज, नहीं सॉरी कार्तिक, समझ आया बेटा? ओके, चलिए बेटा लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन.
सब कैलकुलेट करोगे, सबके पास बुक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बेटा कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, स्लोप निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप किससे निकलती है, डी वाई बाय डी एक्स से। तो हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, एम ले लें, करेंगे तो 12x³ - 4, बट किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट 4। तो दैट मींस स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 4, 12 × 4^3 - 4। इवैल्यूएट इट एंड गेट द आंसर। समझ आ गई बेटा सबको, क्लियर? चले, बहुत इजी टॉपिक है और मैं बता रही हूं पेपर में आना आता ही आता है इस टॉपिक में से, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ डेरिवेटिव करेक्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट एक्स इज इक्वल टू 10। ओके बेटा, तो क्या करेंगे, स्लोप निकालनी है। क्या है, सेम ही तो क्वेश्चन है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब डेरिवेटिव करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशेंट रूल। वेरी गुड, हाँ जी, तो यू बाई वी एक्स माइनस टू स्क्वायर एक्स माइनस टू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन 1, फिर एक्स माइनस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस टू इज 1। जहां आपको लगे कि मैम आपकी स्पीड फास्ट है बोल देना, क्लियर। अब इसको ओपन कीजिए, दमन राइट इट बेटा, डू इट प्लीज। x x कैंसिल, माइनस 1 ओवर x माइनस 2 स्क्वायर। तो हमने स्लोप कहां पर निकालनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो बेटा क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप व्हेन x इज इक्वल टू 10, माइनस 1 और 8 स्क्वायर, दैट इज -1/64। ओके जी, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम, सिर्फ Let us read it and conclude it. Calculations you can do yourself. Okay? हाँ जी, question number 3. Find the slope of the tangent. मुझे tangent की ही slope calculate करनी है. x³ - x+1 at a point whose x coordinate बता दिया. That means x is equal to 2. पीछे वाले question ही बन गया same. कर सकती हो कि नहीं? This is your homework part. Okay? Now come to question number 4. Same question. Question number 3, 4 same hai. Do it yourself. Okay? Homework part. Now I am doing question number 5. Ab question number 5 mein dekhi. Find the slope of the normal. Jaldi jaldi mein yehi hota hai. Normal ka poochha hai. Aap kiska bata doge? Tangent ka bata doge. Aisi galti nahi karni hai. Ye ek baar kar lete hain. Dekhiye. x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, and theta की value क्या दी है, pi by 4। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्लोप निकालना है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, निकालना तो dy by dx ही। तो मुझे बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म में dy by dx कैसे निकालते हैं, dy by d theta, dx by d theta। तभी तो ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, जो डेरिवेटिव में हमने किया वी आर यूजिंग हियर। ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकाले, हाँ जी कौन बताएगा, चल लक्षित बेटा पहले हम, पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई। देखो यही गलती मैंने उस दिन बताई थी, तुमने पहले x का शुरू कर दिया होगा। मैं बार बार कहती हूँ दिया हमेशा x y का होता है, बट ऊपर डी वाई बाय डी थीटा चाहिए, तो पहले प्लीज y का करना है। पेपर में हम ये करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, तो हमेशा इसीलिए फॉर्मूला लिखाती हूँ, पहले y का चाहिए, मैं y का कर रही हूँ। पावर आगे गई, एक पावर कम हुई, चेन रूल लगेगी, इंटू, हाँ जी बेटा वो चेन रूल के आगे लगाएगा ना, पहले तो पावर होगा ना,
है ना, ओवर सेम 3a cos square माइनस साइन थीटा, 3a 3a कैंसल, एक cos कैंसल, एक sin कैंसल, क्या बचा माइनस tan थीटा, चेक कर लेना। यस ओके जी। अब थीटा की कितनी वैल्यू दी थी, 5/4। पहले टेंजेंट की निकाल लें, नॉर्मल क्या होगा नेगेटिव विद रेसिप्रोकल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे भी लिख सकते हो टी, तो वो मेरे पास क्या आ गया, पाई बाय फोर पुट किया तो माइनस वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या होगा वन माइनस साइन, और ये रेसिप्रोकल, आंसर कितना आ गया वन। रेसिप्रोकल करते हैं और साथ में नेगेटिव साइन लगा, बात समझ आई बेटा, कोई डाउट? जो टेंजेंट के स्लोप का आंसर आया इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल मतलब वन ओवर माइनस वन, और साथ में क्या लगा दिया नेगेटिव, तो वो माइनस माइनस कट गया, आंसर वन। समझ आ गई बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर नाउ सिक्स। देखिए सेम, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, और थीटा क्या कहा हुआ है पाई बाय टू, हो जाएगा सेम ना, कर लोगे ना, दैट इज योर होमवर्क। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, कोई डाउट है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड पॉइंट्स एट विच, अब यहां पॉइंट्स निकालना मतलब मुझे एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द पॉइंट्स, अब पॉइंट्स वर्ड है यानी एक से ज्यादा आंसर आएगा, एट विच टेंजेंट टू द कर्व, पहले तो कर्व लिखे, ये लीजिए टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये चीज प्लस वन में भी हम बताते हैं। अब मान लीजिए टेंजेंट जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, अब बेटा ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कोई एंगल बना रहा है मेरे पास, नहीं बना रहा, यानी टेन थीटा क्या हो गया टेन जीरो, टेन जीरो मीन्स जीरो, यानी स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होती है जीरो, यानी डी वाई बाय, क्योंकि स्लोप दूसरे मेथड से हम कैसे निकालते हैं डी वाई बाय डी एक्स ही निकालते हैं ना, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पॉइंट एक्स वन वाई वन होता है तो हम जनरल एक्स वाई भी ले सकते हैं ना, तो सीधा निकल आएगा डी वाई बाय डी एक्स, निकाले थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, थ्री से डिवाइड कर दू तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले दू एक्स माइनस थ्री और प्लस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और थ्री, देखो अपने आप दो पॉइंट्स आ गए कि नहीं, अभी एक्स की वैल्यूज आई है, उसने पॉइंट्स में पूछा है पॉइंट्स टू डी में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं एक्स कॉमा वाई के साथ, तो मेरे पास जो है बेटा यहां पर, अब वाई कहां से निकाले, अब ध्यान से देखना मेरी बात बेटा, मैं आपको कुछ समझाने लगी हूं, ये कोई कर्व है, मैं हमेशा पैराबोला बनाती हूँ इससे इजी लगता है आपको समझाना ना, ये टेंजेंट है, अगर यहां पर कोई पॉइंट है आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया तो वो पॉइंट कर्व पे लाई करता है कि नहीं करता, करता है ना, यानी ये जो एक्स के पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट निकले वो यहाँ कर्व पे भी पुट कर दे तो वाई आ जाएगा, अगर एक्स भी पता है वाई भी आ गया तो वो अपने आप पॉइंट्स आ गए मेरे पास, तो दैट मीन्स कि मेरे पास वाई की वैल्यू पुट करूंगी वाई व्हेन एक्स इज माइनस वन, तो जब मैंने पुट किया माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस सेवन, ये सिक्सटीन, सिक्सटीन में से फोर गए ट्वेल्व, वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो ये कितना हो गया बेटा मेरे पास 27 माइनस, यहां पर आया 93 था, ये भी 27, ये भी 27 प्लस 7, इट विल कैंसल, चेक कर लेना माइनस 20, यानी पॉइंट कैसे आए माइनस 1 कॉमा 12
और 3, -2। ओके बेटा, समझ आई बात? कोई डाउट? सृष्टि, सृष्टि है ना? नहीं, सृष्टि कैसे? क्लियर? पक्का बेटा? प्रभनूर, रसिका, इधर से सबको क्लियर? चलो गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा, सेम बट यहाँ लिटिल बिट चेंज है। क्या है? लेट अस रीड द स्टेटमेंट और आप ही मुझे बताओगे। अच्छा मुझे ये बताओ, इफ आई राइट टेंजेंट इज पैरेलल टू एनी लाइन, अ टेंजेंट इज पैरेलल टू एनी लाइन, क्या कंडीशन होगी दोनों में? वेरी गुड, दोनों की स्लोप सेम होगी। अगर दो टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है, टेंजेंट भी एक लाइन है मेरे पास और दूसरी भी एक लाइन है और दोनों पैरेलल हैं, तो 100% इनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां से वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। मेरे पास कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अब वो कॉर्ड कहां से बनी है मेरे पास? ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अगर एक लाइन पे दो पॉइंट्स पता है तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? y2-y1/x2-x1। ठीक है कि दोनों पॉइंट्स की, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, दोनों की स्लोप, दोनों पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकाल। दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। वैसे स्लोप को m से ही लिखते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ऑलवेज राइट स्लोप विद m। अब टेंजेंट की स्लोप वो कहां से निकालेंगे? डेरिवेटिव से, dy/dx से। तो dy/dx पावर आगे गई, एक पावर कम गई, इंटू 1, यही आएगी, चेन रूल लगाई मैंने, ठीक है? तो 2x-2 कॉर्ड की स्लोप, हाँ जी, y2-y1/x2-2, ये 2 इससे कट गया। अब x-2 इक्वल टू क्या आएगा? 1, 0 नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 3, x आया ना 3 मेरे पास, क्या करें x यहां पुट कर दें, 3 पुट किया, 3-2 1 का स्क्वायर 1, एक ही पॉइंट है। कोई डाउट बेटा? समयंक, कार्तिक, दमन, क्लियर है बेटा? हां जी राणा, राघव, राणा राघव, क्लियर है बेटा दोनों को? ओके बेटा, चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ बेटा मेरे पास? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब मैंने को एक कर्व पे पॉइंट कैलकुलेट करना और कर्व दी हुई है x3-10x+5, एट विच द टेंजेंट इज। अब ध्यान से देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे मुझे पॉइंट निकालना है एट विच मुझे टेंजेंट, ये देखो टेंजेंट ये बने। अब बेटा टेंजेंट मेरे पास जो है क्लियर कट दिया है, मैं यहां से ये एक तरह की लाइन है, मैं यहां से स्लोप कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये देखा जाए तो y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में दी। अगर आपको वो सारी नहीं याद है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन लिख दो, ax+by+c, पता है ना स्ट्रेट। अब यहां स्लोप क्या होती है? माइनस कोफिशियंट ऑफ x ओवर, ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते, हाँ जी बिल्कुल, स्लोप 1 ही है, जिस मर्जी से ले लो, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, दोनों से स्लोप 1 ही आई, ठीक है जी। अब मेरे पास स्लोप पता लग गई, मेरे पास 1 है, स्लोप हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे?
डी वाई बाय डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 11, ये दोनों स्लोप सेम होनी चाहिए कि नहीं, इक्वेट कर दें। देखो बार बार कॉन्सेप्ट वही है, पॉइंट निकालना है तो स्लोप को इक्वेट कर दो। अब वो स्लोप कहाँ से, कई बार स्ट्रेट लाइन दी है, कई बार कॉर्ड के दो एंड पॉइंट दिए हैं, कुछ ना कुछ तो आपको दिया है ना, तो वहां से अपने पॉइंट निकल आए, ठीक है। तो इक्वेट करोगे तो 3x square minus 11 is equal to 1, x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2 आएगी, अकेले 2 नहीं आएगी। अब आ गया तो पुट कर लीजिए, अब टेंजेंट में भी पुट कर सकते हो तुम, अब तुम दोनों में कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसने पॉइंट जो है वो टेंजेंट का पूछा है। अगर यहां पर वो टेंजेंट पे, जहां पर टेंजेंट तो वो पॉइंट कर्व पे भी होगा, बट बेटर है, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ क्या करो, कर्व में ही पुट करो, कभी गलती नहीं होती, ओके। अगर आप पॉइंट वैसे भी निकालोगे ना, ये 100% ऐसा पॉइंट वो यही होगा जो टेंजेंट पे भी हो कर्व पे भी, क्योंकि हमने टेंजेंट की हेल्प से ही x प्लस माइनस 2 निकाला, हो ही नहीं सकता कि कोई अदर पॉइंट आ जाए, ओके बेटा, हो जाएगा क्लियर राघव? हाँ जी, क्यों क्यों नहीं करेंगे, रीजन कोई रीजन है ही नहीं बेटा, कोई रीजन भी तो चाहिए मुझे, क्यों नहीं करेगी। उसने ये तो नहीं कहा कि पॉजिटिव स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, या अच्छा ये भी हो सकता है वो ये लिख देता कि द पॉइंट विच लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तब मैं रिजेक्ट कर सकती थी, कोई रीजन होना चाहिए मेरे पास रिजेक्ट करने का, ओके कनुबा, क्लियर बेटा, सबको ये बात समझ आई। सपोज वो कह देता कि फाइंड अ पॉइंट, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये देखो कनुबा, ये कर्व है, ये चल रही है, कितने सारे टेंजेंट्स हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहे हैं, है ना टेंजेंट्स, तो मुझे ये कहा जाए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना बोलो। अच्छा ये भी तो हो सकता है ये लाइन ऐसे एक्सटेंड हो जाती, ये फोर्थ में भी आ जाता टेंजेंट, है ना, मेरे पास थर्ड में भी आ जाता, बट मुझे वो कहता कि सिर्फ वो निकालो जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट जो है वो सिर्फ, ओके बेटा क्लियर, डाउट क्लियर है सबका। चलिए बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा, अब देखिए अभी तक हम ना नाइन्थ क्वेश्चन तक क्या करते रहे, पॉइंट्स कैलकुलेट करते रहे या स्लोप कैलकुलेट करते रहे। अब हमने क्या करना है, मेन इक्वेशन टेंजेंट की या नॉर्मल की लिखनी, तो लेट अस सी, कनुबा क्लियर हो गया डाउट बेटा पिछला, चलिए बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे सेम है, अगर आप देखो ना 10th 11th 12th सब सेम है, तीनों में से हम कोई एक ही करेंगे, 12 कर ले, सारे ही सेम है, तो 12 क्वेश्चन सीधा कर लेते हैं। व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप जीरो व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, मुझे स्लोप दे दी सीधा ये जीरो, ओके, और कर्व दे दी, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे को पॉइंट नहीं दिया, नहीं दिया ना, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट दिया होगा तभी मैं इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इन टू एक्स माइनस एक्स वन, ये वैल्यू मुझे चाहिए ना बेटा, ये वैल्यू तो दी नहीं मुझे, ओके तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं स्लोप को यूज करूंगी। पहले तो मैं यहां से स्लोप निकाल, क्या आएगी डी वाई बाई डी एक्स, इसको बेटा मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस वन लिख सकती हूँ, तभी चेन रूल लगाऊंगी ना, डायरेक्टली मैं नहीं कर सकती, या यू ओवर वी लगा लो, जब ऊपर कॉन्स्टेंट है तो मुझे यू ओवर वी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई इनटू इसका चेन रूल टू एक्स माइनस टू,
बस डेरिवेटिव में हाथ सही होना चाहिए आपको, ठीक है। अब डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि मुझे पॉइंट कैलकुलेट करना है, इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास दिस इंप्लाइज ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव है मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, -2x +3, और यहां पर 2x -2, ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के, ये सारा उधर चला गया है ना, तो मेरे पास 2x -2 इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू कितनी आ गई, वन, x पुट कर दो इसमें, y भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो कि नहीं, वेरी इजी टॉपिक, ओके बेटा, वेरी वेरी इजी टॉपिक, व्हाट यू हैव टू डू